जय जय श्रादे। देखिए मैं राधे राधे क्यों बोलता हूँ, राधा रानी की शरण में जाने के बाद कई लोगों ने मुझे कमेंट किए कि गुरुजी वीर पतन का उपाय, गुरुजी रात को वीर पतन हो जाता है, राधा नाम और हनुमान जी का चालीसा, हनुमान वीर रूप में सभी शक्तियों के साथ विराजमान रहता है, हनुमान जी का नाम लेने वाले और आठ प्रकार से स्त्रियों को निहारने वाले, उन आठों से बचे रहने वाले और राधा रानी की शरण में जाने वाले मेरे जो भक्त हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, उनको कभी स्वप्न दोष वगैरह वगैरह कोई बीमारी नहीं लगेगी। रोगियों का निरीक्षण मैं आए आपको चौथे चैप्टर में दे रहा हूँ, रोगियों का निरीक्षण। फिर चिकित्सा के लिए आने वाले रोगियों का हाल, भाई कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है, कोई किसी से, कोई स्वप्न दोष से, कोई इससे कोई उससे, जानने से उनका यह पक्का ही निश्चय हो गया कि पतित होने से ही पक्षाघात, देखिए ब्रह्मचर्य का नष्ट हो जाने से कितनी बीमारियां लगती हैं, पतित होने से पक्षाघात, हिस्टीरिया, मृगी, राजक्षमा, मूर्छा, उन्माद, भूख की कमी, वायु वेग पैदा होना, रक्त पित्त बनना, जी में घबराहट, सिर में चक्कर आना, स्मरण शक्ति कम होना, आम बात यानी पेट खराब, संदिग्ध बात इत्यादि कई रोग निरीक्षण से उन्हें मालूम हुआ कि वासना वो करने वाले मनुष्य का चेहरा पीला पड़ जाता है। जो वासना भोग से रहे थे उसे तो डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं है, उसका मन और शरीर दुर्लभ हो जाता है, उसकी आँखों में जलन महसूस होती है, उसे छोटे छोटे काम भी परिवर्तन की तरह भारी महसूस होते हैं, उसका उत्साह कम हो जाता है, वह जल्दी ही थकावट अनुभव करता है, उसे सदा आलस्य की सी अवस्था महसूस होती है और ऐसे कितने ही और भी अशुभ लक्षण उनके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। आप किसी भी रोगी व्यक्ति से पूछे तो आपको बताएगा कि वासना भोग के बाद वह थकावट कभी कमी या कमजोरी महसूस करता है कि नहीं करता, पूछ के देखो जरा सेक्स के बाद। जो जब जैसी दुर्दशा कामी व्यक्ति की होती है तब क्या उसे नाश का कारण न माना जाए, इसे नरक का द्वार न माना जाए, न समझा जाए। जिस क्रिया से मनुष्य का उत्साह भंग हो उसकी कार्य क्षमता, उसकी कार्य क्षमता में कभी कमी हो, उसमें आलस्य का प्रगट्य हो, उसके शरीर में तेज और बल की कमी हो, उसका मनोबल क्षीण हो और रोग तथा बुढ़ापा उसे दबोचने लगे, क्या उसे मनुष्यों का महाशत्रु नहीं कहा जाएगा। स्पष्ट दिया है उन्होंने कि वैज्ञानिक आधार पर भी यदि इस विषय को सोचा जाए तो निस्संदेह काम मनुष्य का महाशस्त्र है, क्योंकि यह उसके तन और मन को दुर्लभ बनाकर उसे
जरा व्याधि तथा मृत्यु की ओर घसीट ले जाता है। यह उसे ऐसा अविवेकी बना देता है कि वह अपने एक मास की कमाई एक क्षण में नष्ट करके अपना दीवाला निकालने को तैयार हो जाता है। मैंने आपको बताया था, पहले सवा मन खाने से रक्त मांस मज्जा अस्थि चर्बी फिर अवले एक टोला बन के तैयार होता है और उसे हम एक बार स्त्री रस स्वादन में गंवा देते हैं तो वो अविवेकी बन जाता है, बना देता है कि वह अपने एक मास की कमाई एक क्षण में नष्ट करके अपना दीवाला निकालने को तैयार हो जाता है। वह जानते हुए भी मृत्यु को निमंत्रण देता है और समझाने पर भी उसको कुकृत्य से रोक नहीं सकता अपने मन को, गोया या एक विचित्र प्रकार की मानसिक रूप किंवा दुर्बलता का शिकार हो जाता है। वह बात-बात क्रोधित होता है क्योंकि तेज का क्षय होने से उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका मन विचलित होने लगता है। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा की अवस्था वाला हो जाता है। उसके चित्त में दुर्बलता और चंचलता आ जाती है। वह किसी कार्य को शुरू कर बैठता है पर उसे बीच में ही छोड़ देता है। कामी मनुष्य की धार्मिक कार्यों में रुचि मंद पड़ जाती है या यूं कहो कि अरुचि के बदले या यूं कहो कि अरुचि के बदल अरुचि में बदल जाती है। जिस काम में रुचि है वहाँ अरुचि होगी, रुचि नहीं रहती। उसे अपने कार्यों में संतुष्टता एवं शांति देने वाली सफलता नहीं मिलती, कदापि नहीं। तथा वह अपने से अधिक अनुभवी लोगों की बात की भी अपेक्षा करने लगता है। अब से बड़े बड़े लोगों की बातों को वह नहीं मानता, दुत्कारने लग जाता है। यहाँ तक कि भी देखा गया है कि वासना का आध्यात्मिक भोग करने वाले तो अपनी हत्या तक भी करने को तैयार हो जाते हैं। प्रेम अग्नि में इतने अंधे हो जाते हैं, चाहने वाली अगर न मिली तो सुसाइड करना या मर जाना कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए, कि वे वासना इत्यादि भोग वाले तो अपनी हत्या तक भी कर डालती, क्योंकि उन्हें अनुभव होने लगता है कि वह अपने सारे जीवन धन को धूलि में मिला चुके हैं। सो आप ही बताइए कि क्या काम आस्तीन का सांप नहीं। यदा प्यासी सर्पितस्तु गुणश्चेक्षुरसे यदा एवाई शकले कार्ये शुक्रम तिष्ठति देहिनाम गर्भ बीजम वपू सारो जीवनाश्रय उत्तम। गर्भ बीज वपू सारो जीवनाश्रम श्रय उत्तम, सबसे उत्तम बीज को धारण करना। क्या यह मनुष्य के मन में बैठा हुआ शत्रु नहीं? हाँ शत्रु है और शत्रु ये मानते हैं, इसलिए मैं बार बार सभी से कह रहा हूँ, हो सके तो मेरे प्यारो हो सके तो शत्रुता खत्म करो। काय से काम विकार, काम विकारों को विजय प्राप्त करना चाहते हो, ब्रह्म शक्तियों को चाहते हो तो काम विकार पर विजय प्राप्त करो। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले में सद्गुण और उनका सर्वगुण विकार होता है। यह मैं अब आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले में सद्गुण और उनका सर्वांगीणीय विकास होता है।
जय जय श्री राधे, ताई बोल हरी।